हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है माजुली का, ठीक है। तो गाइस माजुली मतलब आज माजुली का लास्ट व्लॉग वाला वीडियो का आज लास्ट पार्ट है, जो मतलब हम अपने घर में जा रहे। गाइस मतलब थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम आराम से पूरा माजुली घूम के चले जाते। बाद में आएंगे जो मतलब लिगांग होगा ना, आलियाई लिगांग, जो मिचिंग लोग का मतलब अपना ट्रेडिशनल मतलब उनका उत्सव है, उस पर हम आएंगे। नहीं तो यार पराग नाम का एक उत्सव होता है, उसमें आएंगे। तो ये मिसिंग लोग का घर दिख रहा है आप लोग को, आदिवासी लोगों का घर, और साइड में दिख रहा है मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, बिल यार क्या बोलते हैं पता नहीं यार, इंग्लिश में यार हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब बड़ा सा ये होता है, पानी रहता है इधर, मतलब मछली वगैरह बहुत ज़्यादा होता है इस जगह पर, पता है। तो मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर से ही आता है पूरा मछली वगैरह, ये सब मतलब बारिश के टाइम पर ना इधर ये सब पूरा बाढ़ जाता है, मतलब रोड तक बाढ़ आ जाता है गाइस, यार समझ रहे हो ना। वो यार उधर से निकलने के बाद हमारा दूती भाई इधर हमारा वेट कर रहा था, तो पानी देखो गाइस कितना साफ सुथरा है। तो इस साइड पे थोड़ा मतलब पेड़ वगैरह है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में नहीं पता मेरे को। तो इधर से निकलने के बाद हमको और एक भाई को पिक करना है, जो कि मतलब हमारे साथ वो भी जुड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसको भी लेके जाएंगे हम। तो उधर के लिए हम निकल गए हैं। तो गाइस यार अब व्यूज़ देखो गाइस, सीनरी देखो कितना ओपी है। ओ यार मतलब इधर अभी जो धान का पेड़ होता है ना वो सब काट दे, नहीं तो बहुत ओपी लगता देखने के लिए भाई। धूल देख रहे हो गाइस, एक ट्रैक्टर गया है उसके पीछे धूल देखो गाइस, हमारे पीछे भी पूरा धूल हो गया है, इसीलिए मास्क लगा लेते। ये मतलब मेरे को अपना मतलब अच्छा वाला मास्क नहीं मिला, ठीक है, तो जो मिला वही उठा के ले आए, नहीं तो भाई मतलब वो भी नहीं लाता ना, तो धूल से भाई मतलब मेरे बीमारी पड़ जाती इतना ज़्यादा धूल गाइस। तो ये वाला गाँव पर हम घुस गए, इधर ही उसका मतलब चाचा का घर है, इससे भी अंदर है उसका घर, तो इधर मतलब उसका चाचा का घर है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को, क्योंकि भाई मतलब इतना टाइम नहीं है, और इतना मतलब हम इतना मतलब अमीर भी नहीं है कि मतलब 30-20 मिनट का वीडियो अपलोड कर दे, गरीब आदमी है भाई, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये ट्राइबल्स लोगों का घर दिख रहा है ना, सब ऐसा ही मतलब इसको आसामी सांगर बोलता है, ठीक है, तो ऐसा ही घर दिखेगा क्योंकि इधर बाढ़ आ जाता ना, इसी वजह से ऐसा ही घर सब जगह पे ऐसा ही घर दिखेगा आपको। इधर माजुली पे मतलब लगभग ऐसा ही घर है सब लोग का। तो अपने भाई के घर के पास पहुंच गए, तो भाई का घर इधर ही है, इनमें से ही एक है, ओ रेडी होके खड़ा है भाई, देख रहे हो। तो बुटी भाई के साथ वो उठेगा, मैं पीछे मोबाइल लेके वीडियो बना के जा रहा हूँ। तो भाई यार ये लोग मेरे को मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देख रहे हो यार बोल रहे हैं वेलकम टू दिम्पूज लोग बोल रहे हैं हरामी मसाला, और मतलब भाई यार क्या बोले यार, स्टार्टिंग अपना स्टार्टिंग है ये मतलब, ठीक है भाई। मतलब हम पहले YouTube पे अपना और दूसरा चैनल पे ध्यान दे दिया ना, तो मतलब गेमिंग चैनल का, तो उससे भी मतलब ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से ब्लॉग बनाने का शौक था तो ब्लॉग भी बना लिए। तो इधर से निकलने के बाद हमको सीधा निकलना है आज भाई, मतलब इसमें आपको एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगा, UK 07 देखने को मिलेगा, जो कि हम कहाँ मिले थे वो मतलब आपको दिखेगा। तो ये बच्चे लोग इधर से जा रहे गाइस, धूल देखो यार, मतलब धूल से पूरा मतलब आपको एलर्जी हो जाएगा, इतना सारा धूल भाई मतलब देख रहा हूँ। वैसे भी अभी बारिश का टाइम नहीं है ना आसाम में, तो इधर मतलब धूल ही धूल दिखेगा आपको गाइस, देखो पूरा इधर मतलब इधर धान का खेती करा जाता है, लेकिन अभी मतलब उसको काट दिए गए फसल दी गए, तो मतलब देखो दो बैल लेके आ रहा है, फिर भी धूल देखो गाइस कितना सारा, अरे मतलब देख रहे हो लकड़ी का कोई मतलब वो ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, पूरा बम्बू है बांस वगैरह, और ऊपर से वो देख रहे हो तांबूल का पेड़ है, साइड में देखो चारों तरफ। और हम मतलब रोड पे उठ गए, तो गाइस रोड पे उठने के बाद हमको थोड़ा दूर जाने के बाद गर्मू टाउन मिल जाएगा, गर्मू टाउन थोड़ा मतलब हम निकल ही गए थे लगभग, मतलब वो डॉक पहुँचने वाले थे जहाँ पे मतलब जहाज़ वगैरह रखता है, उधर पहुँचने वाले थे, टिकट वगैरह करता है जो फेरी का जगह है, लेकिन उधर ही हमको मिल गया था अपना UK 07 भैया, जबकि मतलब आप देखोगे ना गाइस इतना सारा बंदे आए थे उनके साथ, क्या बताए कम से कम मतलब पासा हाँ 50 गाड़ी तो आया होगा, 50 बाइक्स तो आया होगा, मतलब 100 बंदे एक गाड़ी में, दो दो बंदे। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे यार, मतलब देखोगे ना आप ये मतलब पता चलेगा। उसके बाद इधर भी
और इधर भी आपको देखने को मिलेगा। उधर तो 50 के अराउंड मतलब बंदे लोग आए थे, इधर बाकी सब इधर जुड़ गए हैं, इतना सारा बंदा। तो गाइस इधर आपने देखा ये छोटा सा शॉपिंग मॉल माजुली का देख रहे हो गाइस, छोटा मोटा है लेकिन अच्छा है गाइस। तो हम इधर ही देखे थे भाई, वो देखो हमको दिखने वाला है थोड़ा दूर जाने के बाद गाइस, यार इधर से निकलने के बाद ही हमको UK 07 दिखने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड थे यार गाइस, समझ रहे हो ना। तो रोड से निकलने के थोड़ा ही दूर है रोड से निकलने के लिए। तो गाइस ये देखो UK 07 भैया का राइड, वो वाला गाड़ी निकल गया है पहले ही। तो गाइस हम भी मतलब उनके साथ साथ चलने के लिए हम भी वापस गाड़ी मोड़ लिए। तो हमने अपना दोस्त को वो मतलब चंदन ने बोला, गुटी भाई ने बोला कि हम बाद में हम नहीं जा रहे, तो लोग जा मतलब इसलिए उनको टिकट करने के लिए, फेरी का टिकट करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद हम पूरा मतलब तोड़ फोड़ के जा रहे हैं गाइस, मतलब जैसे भी करके UK 07 के पास पहुंचना है, बाबू भैया के पास पहुंचना है। देख रहे हो यार मतलब स्प्लेंडर बाइक देख रहे हो भाई, कितना फाड़ के जा रहे हैं। मतलब बाद में एक जगह तो ऐसा आ गया था कि बाबू भैया और हम ही थे, बाकी सब मतलब पीछे रह गए थे, इतना मतलब वो करके आए थे यार। उधर ही हम बाबू भैया से मिल के मतलब बात किए थे, हमने बोला था कि बाबू भैया आसाम कैसा लग रहा है, मस्त मतलब वो नहीं बोल रहा है, बात नहीं कर रहा है क्योंकि मतलब उधर से बात आएगा भी नहीं ना, वो मतलब हाथ से दिखा रहा मस्त है मस्त है। तो भाई यही चाहिए और क्या चाहिए, मतलब उसको इधर आके मज़ा आ रहा है, हमको क्या लगा इस मतलब हमको तो अच्छा ही लगेगा ना, बाहर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो हमारा इधर का जगह ही फेमस होगा ना। तो हम बाबू भैया के पास पहुँच गए, ऊपर से विकास क्षेत्री भाई आए हैं, देख रहे हो भाई विकास भाई, और ये रहा बाबू भैया अपना। तो इधर सेल्फी वगैरह हो गया, हमने सेल्फी वगैरह भी मार लिए थे, तो मतलब एक ही फ़ोन है ना, इसीलिए फ़ोन से सेल्फी वगैरह मार लिए, उसके बाद सीधा चल लिए। तो बाबू भैया का गाड़ी देखो गाइस, मतलब यार इतना पैसा कहाँ से मिलता है यार, हमको भी दिलाओ कोई। और ये रहा अपना विकास भाई निकल रहा है, वो देखो विकास क्षेत्री भाई निकल गए, उसके साथ आए भास्कर भाई भी आए हैं, भास्कर भाई भी ठंडा बदले के आगे निकल गए। गाड़ी का आवाज़ सुना, मतलब है यार गाड़ी का आवाज़ सुना है, कैसा लगा है बताओ यार कमेंट में। और ऊपर से यार देखो धूल से मेरा बाल पे देखो गाइस, मतलब इतना धूल उड़ रहा था, और ऊपर से मेरा मास्क भी पता है धूल से भाई मतलब येलो हो गया था, मतलब ब्लू से येलो वाला हो गया है भाई, इतना धूल गई यार क्या बताए। ऊपर से हेलमेट नहीं लाया पता है एकदम मतलब। तो गाइस अभी हमारे बाबू भैया से मतलब मिलने बात करने वाले हैं, ठीक है। नहीं हम पहले भी किए थे लेकिन अभी मतलब हमको ठीक से मिले थे, मतलब अकेले में मिल गए थे, देख रहो मतलब सबसे पीछा छुड़ा के बाबू भाई आगे निकल गए थे, उसके बाद हम पहुंच गए बाबू भाई के पास। तो थोड़ा स्पीच स्लो हो गया भैया का, मतलब वो हाथ में ग्लूव्स पहन रहा था ना, इसी वजह से हमारे मतलब हमारे पास आ गए थे, तो हम उनके साथ बात कर लिए थोड़ा सा। तो आप लोग बात बात शुरू हो जाएगा। बाबू भैया को छोड़ के हम वापस आ गए और हमको मिल गया मनोज भाई। तो मनोज भाई से भी हमने किया है बात, आप सुनो यार वही सुनो यार। वो भी मनोज भाई भी आसाम का एक मतलब बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, ठीक है। Gracias.
तो गाइज मनोज भाई वापस जा रहे हैं, मतलब रासलीला दो दिन देख लिया और कितना देखेंगे बोल रहा है, तो वो वापस जा रहे हैं तो हम भी उधर से निकल लिए, क्योंकि गाइज मतलब बाबू भैया के साथ और थोड़ा जाने का मन था, लेकिन गाइज हमको मतलब फेड़ी भी पकड़ना था, ठीक है। तो हम वापस आ गए हैं, तो ये सब घर देखो गाइज, मतलब पूरा हरियाली के साथ घर सब, मतलब ऐसा ही आपको घर देखने को मिलेगा माचुली में, ठीक है। तो इधर से हमको निकलना है जल्दी से, गुटी भाई मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा है, गाई भाई किधर है तू करके, एक फेरी तो हमारा मिस हो गया था पता है, क्योंकि मतलब टाइम से आता है ना फेरी, तो हम दूसरे फेरी के लिए उसको बोला भाई टिकट विकट कर ले, इधर मनोज भाई मिल जाता थोड़ा टाइम हो गया मतलब उधर, और बाबू भैया के साथ बात बात करने के लिए हम निकल गए। तो यार मच्छी पकड़ रहा है गाई यार, मतलब इधर बहुत बड़ा मच्छी मिलता है पता है। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं मतलब फेरी घाट पहुंचने वाले हैं, फेरी घाट के पास इतना धूल है ना गाइस क्या ही बताए यार, मतलब एक भाई यार इस धूल की वजह से इधर मतलब थोड़ा दिक्कत होता है पता है, नहीं तो और कोई मतलब इधर दिक्कत की बात ही नहीं। ये है माजुली का गेस्ट हाउस जो कि बहुत सुंदर है गाइस, इधर फेरी घाट के पास ही है। तो गाइस हम फेरी घाट में पहुंचने वाले हैं, तो इधर यही मतलब सबसे मतलब ख़राब जगह यही है गाइस, इतना धूल है ना, तो मतलब नदी इधर बाढ़ आ जाता है ना, तो बाढ़ की वजह से इधर धूल और मतलब चारों तरफ धूल और धूल ही हो जाता है। तो उधर लिखा है थैंक्स भी देते हैं, लिखा हुआ है वेलकम लिखा हुआ है यार पीछे, इधर मतलब वापस जाते समय वेलकम नहीं यार थैंक्स विजिट अगेन लिखना चाहिए ना, तो उधर भी वेलकम लिखा हुआ है। तो इधर से निकलने के बाद गाइस हमको मिलेगा फेड़ी घाट, गुटी भाई हमारा उधर ही वेट कर रहा है, तो गुटी भाई मतलब गुस्सा हो गया है बंदा यार, इतना देर क्या कर रहा है वो हमको बोल रहा है। तो गाइस उधर मिल गए तो उनको छोड़ के कैसे है यार। तो गाइस मतलब भीड़ देखो, इधर भीड़ दिख रहा है गाइस यार, मतलब सब लोग रासलीला देख के वापस जा रहे हैं, गाड़ी का लाइन देखो गाइस, मतलब फेरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद मिल जाएगा। तो टिकट के लिए गुटी भाई खड़ा है उधर, मेरे को खड़ा कर दिया पता है उसके बाद। तो गाइस टिकट विकेट मिल गया है, गुटी भाई गाड़ी लेके मतलब गाड़ी पार्किंग के लिए लेके जा रहा है, तो हम इधर चाय वाय पी लेते हैं, पका भाई भाई स्माइल ले रहा है हरामी साली, तो देख रहे हो भाई कौन बोलेगा इसको एक बच्चे का बाप है कौन बोलेगा। उसके बाद हम जहाज़ में आ गए गाइस, देखो जहाज़ उधर से चलाता है, दिखा दिया हमने आपको, तो हम ऊपर जहाज़ के डॉक पे जाके देखेंगे थोड़ा कि जगह वगह बैठने के लिए है कि नहीं। तो गाइस ज़रा जगह ही नहीं था पता है, तो हमने पूरा मतलब नदी का आपको भी दिखाते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो गाइस कितना बड़ा है, मतलब उस पार ठीक से दिखता ही नहीं है। तो गाइस हमारा मतलब फेरी स्टार्ट हो गया है, गुटी भाई देख रहे हो हरामी भाई, मतलब फ़ोटो खींचने में बिजी है, स्टेटस डालने में बिजी है हरामी साला। तो गाइस देखो इधर से हमको मतलब कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा, देख रहे हो गाइस मतलब कितना ओपी नज़ारा है हमारा फेरी। तो गाइस हमारा फेरी चल पड़ा है, ठीक है, तो इधर से हम आराम से निकल जाएंगे, उसके बाद आएगा नेक्स्ट सीन में जो हाल हुआ था ना गाइस मतलब गाड़ी पंक्चर हो गया था, इधर भी गाड़ी देखो गाइस कितना सारा है, देख रहे हो ओ गाइस अपना मामा जी खड़ा है, पुलिस मामा खड़ा है इधर, देख रहे हो पुलिस बोलता है ना ऐसा शिमला में बोलता है पुलिस, कैसा लगता है पुलिस। तो गाइस इधर सनसेट इधर से देखोगे ना कितना ओपी लगता है पता है गाइस, मतलब मैंने फ़ोटो भी खींचा था, ये जो फेड़ी दिख रहा है ना आपको, उसी फेड़ी से हम माजुली आए थे गाइस, मतलब इधर से ब्रिज बन जाना क्या मज़ा आएगा, 10 मिनट की माजुली पहुँच जाएंगे निवाती से। तो गाइस यार सनसेट देखो यार इतना सुंदर लगता है गाइस क्या ही बताया यार, गुटी भाई को बोला तो सनसेट क्लिक कर, मैं थोड़ा मतलब वो कर लेते घूम के आते, तो गुटी भाई इधर फोटो वोटो खींचने लग गया, उसके बाद वो सनसेट क्लिक कर रहा है, देख रहे हो गुटी भाई का थोपड़ा देखो गाइस, देख रहे हो भाई सनसेट देखो कितना सुंदर लग रहा था। तो गाइस हम इधर लगभग मतलब 4 बजे पहुंच गए थे, लेकिन इधर से निकलते निकलते हमको रात हो गया था पता है। तो गाइस इधर से मतलब फेड़ी घाट में ये मतलब बहुत स्लोली लगाना पड़ता है ना, नहीं तो धक्का लग जाएगा, धक्का लगने से क्या होगा गाइस, जोर से धक्का लग जाए तो ये इधर से फिर से दूर चला जाएगा ना फेड़ी, तो बहुत धीरे धीरे इधर लगाता है इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसको तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके रखा था, नहीं तो यार गाइस मतलब इतना मतलब देखोगे ना तो आपको मतलब तंग आ जाए, मतलब तंग हो जाओगे आप अगर देखोगे तो।
तो गाइस वो पकड़ लिया है फेडल, मतलब साइड में लगा लिया है। तो गाइस गाड़ी वाड़ी निकालने के बाद ही हमको ये सीन पता चला कि गाड़ी थोड़ा मतलब हवा फेड़ गए, तो हमको पता चला कि शायद किलविल हो चुकी है, इसीलिए घुटी गया है उधर पीछे दुकान है, पीछे नहीं मतलब 2-3 किलोमीटर दूर से दुकान है। तो मैं बोला कि भाई निकल, उसके बाद हम मतलब वो उसको बोला दुकान में जाकर पंखा ठीक करा, मैंने को वो जाकर पंखा ठीक करा लिया। उसके बाद देखो गाइस यार पूरा रात हो गया घर में आते आते, तो कम से कम 6-7 बजे हम घर पहुंच गए, तो मतलब इतना देर लग गया ना, तो उधर पंक्चर वगैरह हो गया था ना, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो उधर से निकलने के बाद हम सीधा गाइस मतलब घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद ये सब पराग के घर से देखे लाई साग बोलते इसको आसाम इसमें, और थोड़ा नींबू है। तो गाइस मतलब वीडियो इतना तक ही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर लो गाइस यार, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दो। ये रहा गुती भाई और सब पीछे देख रहे हो हमारा तूता फूटा घर। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।